वंस अगेन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और लास्ट पार्ट जो है नॉट द लीस्ट वाला काम है, इट्स लाइक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बाहर के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने से पहले कुछ कुछ चीजें समझ लीजिए। इसमें दो तीन चीजें आपके लिए प्रिकॉशन है, जैसे टेम्परेचर, दैट इज 373 केल्विन। टेम्परेचर आपको इतना ही लिखना है। यहाँ पे जो ये जो चीजें होती है ना, तो बड़ा स्पेसिफिकेशंस होते हैं, अगर इसमें थोड़ा भी टेम्परेचर अगर लाइक बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो गए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनना मतलब नॉट पॉसिबल। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में हम पीओपी भी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, बहुत लोग ज्यादातर नॉर्मल वर्ड में पीओपी बोलते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको समझ के रखेंगे। मैंने लिखा है ऑन हीटिंग जिप्सम, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है जिप्सम, और जिप्सम को मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि बेसिकली जिप्सम कैसे फॉर्म होता है। तो अगर जिप्सम को आप अगर हीट करते हैं एट 373 केल्विन पे, तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट बिकम्स CaSO4.5H2O, दिस इज कॉल्ड पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो फॉर्मूला है CaSO4.5H2O, याद रखिए वाटर का मॉलिक्यूल्स है हाफ, तो आपको हाफ लिखना ही पड़ेगा, मतलब आप यहाँ पे CaSO4.H2O लिखेंगे तो नहीं चलेगा, नॉट डन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे हाफ, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, वाटर के कितना मॉलिक्यूल, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हाफ एच टू ओ है और जिप्सम में क्या देखो 2H2O, तो मॉलिक्यूल्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, तो आपको मॉलिक्यूल्स जरूर दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं इसका, जो आपको समझना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हीट करने पे मिलता है, और अगर उसी जिप्सम को सॉरी उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है जिप्सम, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर को, जैसे आप डॉक्टर लोग जो प्लास्टर करते हैं ना, आपकी बॉडी अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर होता है तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कुछ देर तक पाउडर होता है, उस पाउडर को पानी में मिला दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको वो काफी हार्ड हो जाता है, तो हार्ड बेसिकली जो हो जाता होता है जिप्सम, हार्ड जितना ज्यादा होता है तो इसलिए प्लास्टर जो हार्ड होता है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि आप याद रखेंगे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम ऐसे समझ लें, या तो ठंडा समझ लीजिए, या उस पाउडर को अगर हम पानी के साथ मिलाते हैं तो जिप्सम बनता है, और अगर जिप्सम को गर्म करें तो उल्टा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और इसका यूटिलाइजेशन बॉन्स एंड बॉन्स को फ्रैक्चर जो है उसको ज्वाइंट करने में हेल्पफुल होता है, प्लस बहुत सारे टॉयज और ये सब खिलौने बनाने में भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें जो आपको एक और बात दिमाग में रख लेना है, वो ये रख लेना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम जब भी आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको ये फॉर्मूला उसका जरूर नोट डाउन करना है, टेम्परेचर जरूर उसको स्पेसिफाई करना है, तब जाकर वो काम आपका मजेदार होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद ये आपका हो गया CaSO4.5H2O। और दूसरा एक और चीज, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं 1:1:2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मॉलिक्यूल्स इस तरह से, इसका मतलब क्या है कि CaSO4 जो है, दो CaSO4 वाटर का हाफ हाफ मॉलिक्यूल शेयर किया हुआ है, मतलब CaSO4 दैट इज कैल्शियम सल्फेट वाटर के हाफ एंड हाफ मॉलिक्यूल शेयर किए हुए हैं, इसलिए वो चीजें वहां पे वो आई हुई है, क्लियर है। अब उसके बाद आपका ये टोटल पार्ट क्लियर होता है, और आपको एक बार पूरा सम अप के लिए दिमाग में रख लेना है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें था, जैसे आप शुरुआत में देखो तो बेसिक्स था, रिएक्शंस थे, पीएच स्केल था, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा, ये सारी चीजें डिस्कशन थी, और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस था। तो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होगी, कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो मैंने आपको होमवर्क दिया काम करके मुझे भेजना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।